डो प्ले करता हूँ। गाइज, मिनी एम्पलीफायर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर चाहिए, BC547। ठीक है गाइज, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है, और अब हमें चाहिए एक 110 kΩ की रेजिस्टेंस, और एक चाहिए गाइज हमें 25 वोल्ट 1000 μF का कैपेसिटर, और एक चाहिए हमें ऑक्स केबल। ये आप पुरानी भी ले सकते हैं। और गाइज, अब हमें जो है इसका सर्किट बनाना है। मैं आपको इसका सर्किट बनाकर दिखा देता हूँ। इसके गाइज फर्स्ट और सेकंड पिन के ऊपर हमें जो है 10 kΩ की रेजिस्टेंस को शोल्ड कर देना है। ठीक है गाइज, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कर दिया है। गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। ठीक है गाइज, अब वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना। और गाइज, अब हमें कैपेसिटर चाहिए। इसकी जो माइनस वाली लाइन है, इसको हमें जो है ट्रांजिस्टर की बीच वाली पेन के साथ शोल्ड करना है। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से शोल्ड कर दिया है। और गाइज, इसकी आगे की वायरिंग मैं अब आपको बता देता हूँ किस टाइप से हमें करनी है। तो गाइज, यहाँ पे मैं ऑक्स केबल ले रहा हूँ। इसके अंदर 3 वायर होती है, वाइट, रेड, ग्रीन। ठीक है गाइज, इसके अंदर जो हमें वाइट और रेड में से आप कोई सी भी वायर ले सकते हो, हमें ग्रीन जो है रखनी है क्योंकि ये ग्राउंड होती है। तो ठीक है गाइज, इसको जो है मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, जो हमारी ग्रीन वायर है, उसको हमें कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन के साथ। ठीक है गाइज, मैं अब आपको इसको जो है करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, इसकी जो ग्रीन वायर है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन के साथ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने कर दिया है। और जो हमारी यहाँ पे रेड वायर है, इसको हमें कैपेसिटर की प्लस वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने कर दिया है कनेक्ट। और जो हमारी यहाँ पे वायर है, इसको हमें जो है शोल्ड करना है। तो अब गाइज, अब मैं एक वायर ले रहा हूँ, स्पीकर की वायर है, इसको हमें जो है शोल्ड करना है ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ। तो आप देख सकते हैं, इस टाइप से मैंने कर दिया है। देखिए, यहाँ पे मैंने इस टाइप से इसको कर दिया कनेक्ट। और गाइज, अब हमें जो है इसको सर्किट को सीधा कर लेते हैं। तो गाइज, अब हमारी जो बैटरी की वायरिंग है वो रह गई है, और आधी स्पीकर की रह गई है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं 9 वोल्ट का बैटरी होल्डर ले रहा हूँ। इसके जो है मैं आपको वायरिंग करके दिखा देता हूँ। जो बैटरी का माइनस वाला पॉइंट होता है, उसकी वायरिंग हमें करनी है ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन के साथ। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने कर दिया है इस टाइप से कनेक्ट। और जो है आगे की जो वायरिंग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, एक वायर तो हमारी चलेगी स्पीकर में, और एक जो वायर हमारी स्पीकर की बची है और एक बैटरी की बची है, इनको हमें आपस में कनेक्ट कर देना है इस टाइप से। आप देख सकते हैं, आपको इसके जो है कनेक्शन बता देता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है, उसके ऊपर हमें ऑक्स की एक वायर को कनेक्ट कर देना है, और जो हमारी दूसरी वायर है ग्रीन वाली, उसको हमें कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन के साथ। और जो हमारी बैटरी की माइनस की वायर है, उसे भी हमें ट्रांजिस्टर की तीसरी पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। और गाइज, हमारी जो फर्स्ट पिन है ट्रांजिस्टर की, उसे हमें जो है उसके साथ हमें जो है स्पीकर की वायर को कनेक्ट कर देना है। और जो हमारी दो वायर बची हैं, एक बैटरी की है और एक स्पीकर की है, हमें इनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो हमारी यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसके साथ 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, ये 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है गाइज, इसको मैंने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको इसको मोबाइल में लगा कर टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ।
गाइस कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं गाइस इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।